यूपी जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है आदाब अम्मा जी। अरे शबनम जीती रहे, आ बैठ। आंगनवाड़ी से आ रही है? हाँ जी। अरे लाइए ना। हाँ मैं आंगनवाड़ी से ही आ रही हूँ। आंगनवाड़ी में मैंने सब लड़कियों को आयरन की गोलियां देने के लिए बुलाया था, बस इसी बहाने उनसे दो चार बातें भी हो जाती हैं, वहीं से आ रही हूँ। ये तो बड़ा अच्छा करती है शबनम जी जी। कैसी हो राधा? ठीक हूँ। अब बड़ी होती लड़कियों की कितनी परेशानियां होती हैं, ये तो हम जानते ही हैं। हाँ राधा, और खासकर उन दिनों की परेशानियां जब लड़की को पहली बार महीना शुरू होता है और ये ना पता होते हुए कि ये उसके शरीर में होने वाले बदलावों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस बेचारी लड़की को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी जी, कहीं इसे भगवान का श्राप समझ लेते हैं तो कहीं बीमारी, हम कितना डर जाती है ना। वो इसलिए राधा क्योंकि बेचारी लड़की किसी से कुछ कह नहीं सकती। घर पर भी माँ दादी या बड़ी बहन बस यही बताती हैं कि पुराना कपड़ा इस्तेमाल करो, अलग बैठो, रसोई में मत जाओ। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इस समय साफ सफाई कैसे रखो, ये कोई नहीं बताता। और छोटी लड़की पूरी तरह डर जाती है। अरे गौरी, वहां क्यों रुक गई? अंदर आजा बेटी, आजा। क्या हुआ गौरी, कुछ कहना है तुझे? बोल क्या बात है। आज बैठक में भी तू बता क्या बात है। जी जी, वो शबनम तुम दोनों बातें करो, मैं जरा दाल चढ़ा कर आती हूँ। राधा तू मेरे साथ आ। यहां बैठ, बता क्या बात। घबरा मत, बोल। अरे अरे तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? अच्छा सुन, मुझे अपनी जीजी कहती है ना, बता क्या बात है। जीजी जीजी, वो मुझे पेशाब वाली जगह पे बहुत खुजली होती है, उठने बैठने में भी। कब से? अब तो कई दिन हो गए। तूने अपनी माँ को बताया? डर लगता है। अच्छा बता, अब मौसी ने तुझे कभी भी उन दिनों के बारे में कुछ समझाया, मतलब उन दिनों में साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए? चल अब आंसू पोंछ, रोना बंद कर। घबराने की कोई बात नहीं है, कल सवेरे मैं तुझे लेकर नर्स बहन जी के पास चलूंगी, सब ठीक हो जाएगा। जी जी, माँ इंतजार करती होगी। हाँ अब तो जा। अच्छा सुन, कल सवेरे मैं तेरे घर आकर तुझे साथ ले चलूंगी, ठीक है? जा। सब ठीक तो है ना जी जी? हाँ हाँ सब ठीक ही है, वो गौरी कुछ भूल गई थी बस इसीलिए।
अच्छा राधा, गौरी के आने से पहले तुम कुछ कह रही थी। हाँ, वो यही कि उन दिनों लड़कियों को कैसे साफ सफाई रखनी है कोई ठीक तरह से बताता नहीं है। मैंने तो नर्स बहन जी को कहते सुना था कि इन दिनों इन्फेक्शन भी हो सकता है और अगर ये बार बार हो तो खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक राधा, महीने के उन दिनों में अगर ठीक से साफ सफाई ना रखो तो इन्फेक्शन के कारण योनि के आसपास खुजली या जलन हो सकती है। योनि से पीले या हरे रंग का बदबूदार पानी निकल सकता है और पेट में सिकुड़न जैसा दर्द भी हो सकता है। और अगर इन्फेक्शन बार बार और लंबे समय तक हो तो लड़की बांझ हो सकती है। हाय राम, इसीलिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर लड़की इन सभी बातों को अच्छी तरह समझ जाए। हाँ शबनम, ये तुम बहुत अच्छा करती हो, अब जरा इन्हें भी समझा दो। आदाब, क्या आप लोग जानते हैं कि महीने के उन दिनों में ठीक से साफ सफाई ना रखें तो क्या हो सकता है? एक, इन्फेक्शन हो सकता है। दो, बार बार इन्फेक्शन हो तो ये बड़ी बीमारी बन सकती है। तीन, लड़की बांझ हो सकती है। सही जवाब है, महीने के उन दिनों में ठीक से साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। अगर उन दिनों साफ सफाई नहीं रखी तो इन्फेक्शन हो सकता है और अगर बार बार इन्फेक्शन हो तो ये बड़ी बीमारी बन सकती है, लड़की बांझ भी हो सकती है। पर जीजी, मैं तो सफाई रखती हूँ। क्या करती हो जरा बताना। उन दिनों में भी मैं रोज नहाती हूँ, जो कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ उसे भी रोज धोती हूँ। बस माँ पूजा घर में या रसोई में नहीं जाने देती बस। गौरी, तुम रोज नहाती हो, कपड़े को भी रोज धोती हो, ये तो बहुत अच्छा करती हो। पर बताओ, कपड़े को साबुन से धोती हो या खाली पानी से? जी, वो खाली पानी से। अगर तुम कपड़े को साबुन से धोगी तो वो ज्यादा साफ होगा दोबारा इस्तेमाल के लिए, समझी? जी। और उसे सुखाती कहाँ हो? जी, वो वहाँ पलंग के नीचे बक्से पर। पर वहाँ किस लिए, बाहर क्यों नहीं? जी, वो बाहर कोई देख लेगा। शर्म आती है? मैं समझती हूँ गौरी, लेकिन जब उस गीले कपड़े को धूप और हवा नहीं लगती तो उसमें कीटाणु पनपते हैं और फिर वही कपड़ा जब तू दोबारा इस्तेमाल करती है तो वो कीटाणु तुम्हारे शरीर में चले जाते हैं। इसीलिए उस कपड़े को अच्छी तरह से साबुन से धोकर बाहर धूप में सुखाना चाहिए, घर के अंदर नहीं। पर बाहर? पता है गौरी, जब मैं कपड़ा इस्तेमाल करती थी तो मैं उसे अपने घर के पीछे सुखाती थी। मुझे पता था वहाँ उसे धूप और हवा भी लगेगी और कोई देखेगा भी नहीं, समझी? और हाँ, याद रखो कि जो कपड़ा या नैपकिन इस्तेमाल करती हो उसे बदलते रहना चाहिए। और तुम्हारे स्कूल में तो लड़कियों के लिए अलग शौचालय है ना, तो जब भी शौचालय जाओ अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोया करो। और महीने के उन दिनों में जब तुम कपड़ा या नैपकिन बदलो तो उसके बाद भी हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। पर अम्मा जी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तो चल तो। गौरी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो माँ, मैं अब मौसी, गौरी को मैं यहाँ लेकर आई हूँ, इसे इन्फेक्शन हुआ है। गौरी, बहन जी तुझे यहाँ क्यों लाई है? तुझे कोई बीमारी हो गई है? अरे नहीं मौसी, वो तो महीने के उन दिनों में साफ सफाई न रखने की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है वही हुआ है गौरी को। मौसी, मैंने तो उस दिन आंगनवाड़ी में सारी बातें बताई थी और मुझे लगा कि आपने भी गौरी को ये सब बताया होगा। कैसी बातें करती हो शबनम? अरे लाज शर्म कुछ रह गई है या नहीं? और फिर कोई माँ अपनी बेटी से ऐसी बातें कर सकती है? अरे समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए गौरी की माँ, तुम्हारी माँ को ही कहाँ ये सब बातें पता होगी जो आज शबनम और नर्स बहन जी हम सबको बताती हैं। अगर फिर भी हम इसे अपनी बच्चियों को ना बताएं तो ये हमारी गलती होगी ना? ये तो अच्छा है मौसी
कि हमारे गांव में किशोरी समूह की बैठक होती है, जिसके चलते गौरी ने शबनम से खुलकर बात की। गलती मेरी ही है बहन जी, गौरी ठीक तो हो जाएगी ना? चिंता की कोई बात ही नहीं है मौसी, मैं अभी इसकी जांच कर लेती हूँ और दवाई भी दे दूंगी। आओ गौरी। गौरी की माँ को जो बातें समझ में आ गई, उम्मीद है आप लोगों को भी आ गई होगी। तो बताइए, महीने के उन दिनों में साफ सफाई की कौन सी बातों पर लड़कियों को ध्यान देना चाहिए? एक, रोज नहाना चाहिए। दो, कपड़ा या नैपकिन समय समय पर बदलना चाहिए। तीन, कपड़ा या नैपकिन बदलने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए। और चार, कपड़ा इस्तेमाल करो तो उसे बहुत साफ रखना चाहिए। सही जवाब है, महीने के उन दिनों में साफ सफाई की कुछ बातों पर लड़कियों को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रोज नहाना चाहिए, कपड़ा या नैपकिन समय समय पर बदलना चाहिए, कपड़ा या नैपकिन बदलने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए, और अगर कपड़ा इस्तेमाल करो तो उसे बहुत साफ रखना चाहिए, साबुन से धोकर बाहर धूप में सुखाना चाहिए। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। सभी लड़कियों को उन खास दिनों में अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कपड़ा या नैपकिन साफ और सूखा हो, रोज नहाएं, नहीं तो इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहता है। और शर्माएं बिल्कुल नहीं, अपने घर की बड़ी औरतों से बात करें, नर्स बहन जी या आशा बहन जी या आंगनवाड़ी बहन जी से सलाह लें और खुद को इन्फेक्शन से दूर और साफ सफाई के करीब रखें।